अच्छा कैसे हो सब? वाह खुद कैसे हो, खुद कैसे हो ये बताओ। बहुत गंदी हूँ। क्यों? चोट लग गई। दिखाई लगी चोट? ओहो हो, फोन करियो एम्बुलेंस दो रे, इमरजेंसी कॉल देखियो, थोड़ी का चोट लग गई हो, इतनी चोट। ओहो फोन मिलाओ क्या एम्बुलेंस तेरे नाना तेरा फोन मिलाओ क्या एम्बुलेंस तेरे ना, 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 ना उसने बुला लिया नाना सुनील ना सुनील ना बुलाओ एम्बुलेंस लिया एम्बुलेंस ने तो सीरियस हो रही है एम्बुलेंस लिया होगा। हर बुलाओ क्या बेटा बिचारी जमा है गणी को सुते सीरियस होगी भैया तो के करान भी मम्मी दर्द हो दर्द हो है। चलो ले खाना बना दे फटाफट। खाना बनाओ एक मिनट बताओ आप क्या कह रहा है एम्बुलेंस बुलानी चाहिए कि नहीं बुलानी चाहिए? बुला रखी है कड़ा है ना तो मार दिया कर दिया बेचारी छोरी तंग हो रही है इलाज है के करो खाना बनाओ। लो जी मैं बना लियो खाना। खाना की बनाऊं पहला तो ये सारी जो है सब्जी लेके आयो इसने सारे ने साफ करूं धोऊं। पापा जी पेठे वाले अगर पेठे में मिठाई ले आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं आलू पालक। तो बेटे आलू पालक ना आलू पालक तो खाना पसंद करेंगे ये इसी सी चीज ना ले आया करो बन भी छाबड़ी दे बेटा टोकरी देवा टमाटर ना ले टमाटर तो ठीक है ये पेठे पाठे ना ले। लो जी सब्जी मिल रही है चमक और भाई रसोई में सारी सब्जी है जो इसी तो मैं एक बार ढक दू देखो बढ़न लग रही है धीरे धीरे जो बन जाऊंगी और ये सब्जी दो कने रख दी है ये मेरे चवे सूख जाएगी एक बार फिर फ्रिज में रख के आऊंगी ये भी धो दिया है और ये काट दिए है ये कौन धोई है इनकी बाद में धोगी सारा रसोई में मतलब और इन खतरे सलाद है ये काट दिया है रोटी बनाऊंगी और भाई रसोई में तो ना मतलब बुरी हालत हो जाओ जी सब्जी वगैरह दो वहां पानी तो रसोई भी साथ के साथ जो है साफ कर दी है थोड़ी बहुत रहेगी बस ये पालक धोनी रहेगी भैया रोटी बनाया करने बाद में इसने बाल्टी में डाल करने बाहर ले जाया करने इसने फिर दूंगी अच्छा तरीका है क्योंकि रसोई में तो बस दो चार मिनट में और बन जाओगी फिर मैं बनाऊंगी रोटी और बच्चे दिखाऊंगा अपने वेट करने लग रही रोटियां का दोस्त देखो बच्चे भाई बच्चे वेट करने लग रहे हैं रोटी कब सी बनेगी बस पांच मिनट और लग गई बेटा लग दी भी कोनी इतना आप खेल लो बेटा फोन के साथ थोड़ी दिन खेलिया करे और कोई खेल को नहीं इनके साथ में खेल रहे हैं यूके एनवी पंजाबी मुंडा दिखाइए पंजाबी मुंडा दिखा यो गुल्लक है डोरेमोन है गुल्लक है पंजाबी मुंडा सच में कितना सुथरा दिखाइए देख ए सुथरा है तो जवानी है जुड़ा भी अब तेरा गुल्लक ये रहा बेटा अरस ने भाई आपका गुल्लक ये उरा रख रखा है और यो देखो एक गुल्लक ये रहा बिरानी ने कितने एक पीछे हो रहा कितने एक गुल्लक इधर ताला लगा रखा है एक इस गुल्लक का तो देखो इनकी ताला लगा रखा है और एक ये रख रखा दो और एक अनवी ये या ले रही दिखाइए गुल्लक तीन इतने गुल्लक ले रहे हैं ये और ये लग रहे हैं खाना खाने ले दूध और रोटी किसे लागी बेटा सब्जी मस्त है मुँह कौन बढ़ता मेरे ज्यादा को नहीं खालू खालू बेटा सही है ये देखिए आएगी जाओगी भी आ सीधी जो जी वे तो लग रहे हैं रोटी खाने में और भाई मेरा जी कर गया चावल खाने का तो मैं मेरे खातर बनाऊंगी चावल बिल्कुल सिंपल वाले चावल है जो तो मैं खाऊंगी सब्जी का साथ में और चावल है ये खाऊंगी तो मैं चावल रख दूँ और सब्जी बच रही है तो सब्जी के लिए खाऊंगी चावल है वो जो चावल रख दिए हैं मैं तो सब्जी की कटोरी खाया ये कर मेरे खातर रखे चावल है खाना खा लिया चावल खाया मैं मेरे खातर चावल रख के आई हूँ खाया मैंने कौन खाया मैं खाऊंगी चावल आ हा हा मेरा हमने चावल तो हमने चक कितने दे दे चनी चावल तो चलो लड़ाओ पंजा लड़ाओ गुंठ लड़ा देखा कौन सा जीतेगा ना चीटिंग
चीटिंग ना करन भी यू कुकर लड़ागा नू वो के नाम पंजा तो सारे लड़ा दे देखे था हम यू के लड़ाओ नू बेटा ये देखो गाइज आज मैंने अनवी का जो है सूट सिल लिया है, देखो कैसा है, थोड़ा सा रह रहा है कंप्लीट करना, मेरा भी है और अनवी का दोनों का सिल लिया है, और अनवी की पैंट अब अभी सिल दी मैंने, है अनवी अच्छा है। तो गाइज मम्मी ने आज जो चावल बनाए थे वो हमने खा लिए थे, और मम्मी ने दिन में हलवा बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। तो गाइज हमें सुबह स्कूल में भी जाना है तो इसलिए हम अब सो रहे हैं। और गाइज जिसको भी ब्लॉग अच्छा लगा हो वो वीडियो को कमेंट शेयर और लाइक जरूर करें, और जो चैनल पे नया है चैनल का सब्सक्राइब करें। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।